राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, नेहल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। दर्शकों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया में जाबिर शाह। दर्शकों, एसटी महामंडल की हड़ताल का आज का दूसरा दिन। एसटी महामंडल कर्मचारियों की अभी भी हड़ताल जारी है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती ये हड़ताल जारी रहेंगी। क्या है एसटी महामंडल कर्मचारियों की मांग? पहली डिमांड है उनकी के 7वां पे कमीशन उन्हें मिलना चाहिए। दूसरी डिमांड ये है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तीसरा ये कि जो उनकी तनख्वाह का पैसा बाकी है वो उन्हें मिलना चाहिए, और उसी के साथ साथ ड्राइवरों के साथ, वो किन्नरों के साथ न्याय और इंसाफ होना चाहिए। सरकार जब तक हमारी डिमांड को नहीं पूरा करती ये हड़ताल जारी रहेगी। आज ह्यूमन राइट्स ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साबिर नूरानी ने भी यहाँ पर एसटी महामंडल कर्मचारियों के चल रहे आंदोलन को समर्थन दिया है, हिमायत दी है, पाटिंबा दिया है। और इस समय साबिर नूरानी ने महाराष्ट्र सरकार व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से क्या अपील की है, आइए मुलाकात करते हैं ह्यूमन राइट्स ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साबिर नूरानी से, और उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सब यहाँ कि यहाँ बस के कर्मचारी सब के सब लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं, और इनकी मांग ये है कि जिस तरह से और लोगों की पगारें पूरी तरह से दी जा रही हैं, बस ड्राइवर भी और कंडक्टर भी जो है इनकी भी पगार की मांग इनकी है। और ये भी बात सही है, जब इनको पगार अच्छी मिलेगी इनका घर का निजाम सही चलेगा, क्योंकि घर गिरती का टेंशन एक बड़ा अजीब होता है। जब ये अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल फ्रेश रखकर, ताज़ा रखकर अपनी गाड़ियों को चलाएंगे तो ये सही तरीके से अपनी गाड़ी को चला भी सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है पेट होता है। और ये भी क्यों, ये कंडक्टर साहब, ये ड्राइवर साहब, ये जो गाड़ियां चला रहे हैं ये भी अपना घर चलाने के लिए कर रहे हैं। अगर इनको सही तरीके से पगार नहीं मिलेगी, इनको सही तरीके से सहूलतें नहीं मिलेगी, तो इनका भी अपना घर है ना, इनका घर बार कैसे चलेगा। तो ये लोग इसीलिए यहाँ बैठे हैं, और सरकार से भी और एकनाथ शिंदे साहब से भी ये अपील कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरी की जाए और हमें सुकून राहत पहुंचाए। हमारी मांग को पूरी एकनाथ शिंदे साहब से मैं भी अपील करूंगा, एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रेसिडेंट होने की हैसियत से, कि इनकी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए ताकि ये अपना भी घर परिवार सुकून शांति के साथ चलाए। जैसे एकनाथ शिंदे साहब ने अभी लाडली बहन योजना को निकाला है, ये सब भी तो लाडले भाई है, इनका क्या सही है कि नहीं। जैसे लाडली बहनों को सहूलत दिया जा रहा है, बस के अंदर बहनों के लिए सहूलत है कि बिल्कुल आधा टिकट है, और सीनियर सिटीजन के लिए बिल्कुल टिकट नहीं है, लेकिन जो गाड़ी चला रहे हैं इनका क्या। अगर इनको ही सारी सहूलतें नहीं मिलेगी, हम भी आज हमारे पास गाड़ी घोड़ा है, मोटरसाइकिल है, बचपन में हम भी बसों में चलते थे। ये लोग हमारे अपने पूरी परिवार को एक जगह से दूसरी जगह सहूलत से लेके जाते हैं। अगर यही टेंशन फ्री नहीं रहेगी, घर बुद्धि का टेंशन, बच्चों की स्कूल की फीस का टेंशन, ट्यूशन का टेंशन, गैस लाने का टेंशन, राशन का टेंशन, महंगाई बढ़ती जा रही है, इनको पगार क्यों कम हो रही है। इनकी भी पगारें बढ़ाना चाहिए ताकि अपना घर परिवार सुकून शांति से चला सके। ये मेरी सरकार से और एकनाथ शिंदे साहब से अपील है। प्रवीण ठाकरे अध्यक्ष कामगार संघटना मालेगाव, आज महाराष्ट्रभर संयुक्त कृती समिती यांनी प्रत्येक डेपोच्या गेटवर धरणे आंदोलन उभे केलेले आहे। तरी आमची शासनाला विनंती आहे
की राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी एवढं आमचं वेतन आम्हाला दिलं गेलं पाहिजे एवढीच आमची एक मागणी आहे. तुम्ही एमएससी बिल द्या, लाडक्या बहिणींना द्या, लाडक्या भाऊंना द्या, त्याबद्दल आम्हाला कुठलाही द्वेष नाही, राग नाही. पण आज एवढा खडतर प्रवास करून आमचा एसटी कर्मचारी काम करतो, आज त्याला तुटपुंजा बघत आहे. आजपर्यंत जेही सरकार आले, सत्ताधारी असो किंवा विरोधक असो, प्रत्येकाने आमची फसवणूक केलेली आहे. पण माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, आम्हाला तुमच्यावर भरोसा आहे आणि तुम्ही एसटी कर्मचाऱ्यांना नाराज करणार नाही. त्यांना तुम्ही राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे वेतन द्याल एवढी आम्हाला अपेक्षा आहे. म्हणून आम्ही आज इच्छा नसताना आज धरणे आंदोलनाला बसलो आहोत. तरी आमचं वेतन राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे करण्यात यावं ही आमची हात जोडून विनंती आहे. धन्यवाद. क्या अपनी एक ही डिमांड है कि सिर्फ पेमेंट मतलब पड़ना चाहिए? हमारी जो डिमांड है वो जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो भी पगार मिलता है सातवां वेतन आयोग के हिसाब से, तो वो हिसाब से हमको पगार मिले. ये हमारी पहली मांगनी डिमांड है. उसके बाद में हमारा जो है 2018 से डीए यानी महंगाई भत्ते का जो फर्क है वो पेंडिंग है. पूरे महाराष्ट्र की अगर उसका देखा जाए तो वो 2100 कोटी रुपए एसटी प्रशासन की तरफ अभी बाकी है. तो वो हमको हमारा जो हक का पैसा है वो हमको हमारा मिले. ये हमारी दूसरी मांग. हमारी तीसरी मांग ये है कि हमारे जो डीएनडे प्रोसीजर है शिस्त व आवेदन पद्धति के हिसाब से जो हमारे इधर कार्रवाई होती है लोगों के ऊपर, जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं, एखादे ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद में उसके ऊपर केस चलती है कोर्ट में. अगर कोर्ट ने उस ड्राइवर को निर्दोष अगर छोड़ दिया तो भी हमारे एसटी में उसको जॉब नहीं लगता, पनिशमेंट होती है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है. तो ये इतना जो खतरनाक हमारा जो डीएनडी प्रोसीजर है उसके अंदर थोड़ी सहूलत बरती जाए, ये हमारी एक डिमांड है. और हमारी तीसरी जो चौथी जो डिमांड है वो ये है कि हमको इंडोर और आउटडोर कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रोवाइड की जाए. ये एक हमारी एक चौथी डिमांड है.